सोचिए कैसा हो कि पाकिस्तान इस डर में हर रोज जिए कि भारत कभी भी अपनी जमीन की बजाय अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से हमला कर सकता है। अब मेक इन इंडिया का विरोध करने वाले इस बात का मजाक जरूर बनाएंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब कागजों की बजाय असलियत में जन्म ले चुका है। चाइना, यूएस और रशिया ऑलरेडी काफी सीक्रेट तरीकों से इस फील्ड में आगे निकल चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देश अंतरिक्ष में अपने खुफिया हथियार तैनात कर चुके हैं। भारत अभी तक ऐसा इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि भारत के पास इन देशों की बराबरी करने लायक कोई बड़ा रॉकेट मौजूद नहीं था, पर भारत की इसरो फाइनली इस काम को भी पूरा करने जा रही है और देश के सबसे बड़े, शक्तिशाली और सबसे उन्नत रॉकेट को डेवलप करने की तारीख तय हो चुकी है। दरअसल इसरो देश के सबसे बड़े रॉकेट का डेवलपमेंट शुरू कर चुकी है और खबरों में ये निकल के आ रहा है कि इस नए रॉकेट की लोड कैरिंग कैपेसिटी एग्जिस्टिंग GSLV मार्क 3 से 2 गुना से भी ज्यादा होने वाली है और इस रॉकेट का इस्तेमाल आगे चल के न केवल देश के पहले स्पेस स्टेशन को बनाने में किया जाएगा बल्कि कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में भी होगा जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान हर वक्त डर के साए में जिएंगे। भारत के इस नए रॉकेट का नाम है सूर्या और इस रॉकेट को पूरी तरह से न केवल भारत में डेवलप किया जाएगा बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। यकीन मानिए, अभी भी भारत को अपने कुछ काफी भारी सैटेलाइट्स के लिए नासा और स्पेसएक्स जैसी विदेशी कंपनीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2035 के बाद भारत खुद अपने भारी से भारी सैटेलाइट न केवल लॉन्च कर सकेगा बल्कि स्पेस वेपनाइजेशन यानी कि अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने वाले देशों को पूरी टक्कर देगा। भारत के इस नए रॉकेट को लेकर आज काफी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी घंटों की मेहनत को एक सेकंड में सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। मेन खबर यह है कि फाइनली देश के सबसे बड़े रॉकेट के डेवलपमेंट को मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन 8,240 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी मिल गई है। मतलब ये कि अब ये रॉकेट केवल कागजों पे नहीं रह गया है बल्कि चीन और पाकिस्तान के सर पे मंडराने के लिए तैयार है। रशिया, यूएस और चाइना के बाद भारत अब खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक स्थापित करना चाहता है और खबरों की माने तो 2028 तक इस स्पेस स्टेशन की नींव रख दी जाएगी जब इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। नासा के ISS और चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन की तरह भारत अपने स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक चेंज को स्टडी करने में इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा भारत को अपनी टेक्नोलॉजी स्पेस में टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। आज नासा केवल इसलिए हाईली क्रिटिकल और एडवांस टेक्नोलॉजीज बना पाती है क्योंकि नासा के पास अपनी डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज को स्पेस में टेस्ट करने के लिए एक लैब मौजूद है। देखिए, माना जाता है कि हर करोड़ों साल बाद ऐसी आपदा आती है जिसकी वजह से पृथ्वी पे जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसी ही घटना आने वाले कई सालों में घटित जरूर होगी। यही वजह है कि चीन और यूएस के वैज्ञानिक कॉस्मोनॉट लाइफ पे काम कर रहे हैं। कॉस्मोनॉट लाइफ मतलब अंतरिक्ष में मानव आगे कैसे जी सकता है, इसको लेके की गई स्टडी जिससे आगे चल के जरूरत पड़ने पर पृथ्वी के लोग अंतरिक्ष में भी कई सालों तक जी सके। भारत को भी स्पेस स्टेशन की मदद से कॉस्मोनॉट लाइफ को स्टडी करने का मौका मिलेगा। खैर, बात करें इस रॉकेट की तो इसकी पेलोड कैपेसिटी करीबन 10 टन तक होने वाली है। आपको बता दें कि भारत का मौजूदा सबसे बड़ा रॉकेट केवल 4 टन का ही पेलोड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जा सकता है और जब भी हमें इससे ज्यादा भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है हम SpaceX और नासा की मदद लेते हैं और इस मदद के बदले यूरोपियन और यूएस की स्पेस एजेंसीज भारत को लूटने की पूरी कोशिश करती हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि भारत के नए रॉकेट सूर्या को इस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि एक लॉन्च के बाद इस रॉकेट के मेजर कंपोनेंट्स को फिर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके जिससे ऐसे लॉन्चेस की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा पाएं। 2023 यानी कि 2023 में भारत केवल 7 स्पेस प्रोग्राम्स ही लॉन्च कर पाया था, वहीं चाइना ने इसी साल 67 यानी कि 67 स्पेस मिशंस लॉन्च किए थे। भारत इसी को काउंटर करने के लिए SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप कर चुका है जिसे केवल 3 दिनों के अंदर लॉन्च के लिए रेडी किया जा सकता है। इसके अलावा अग्निकुल और स्काईरूट जैसी भारतीय कंपनीज भी जल्दी अपने कमर्शियली रेडी रॉकेट्स लॉन्च करने वाली हैं। आपको बता दें कि सूर्या के लिए तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा और इस रॉकेट में ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल होगा जो पूरी तरह से भारत में ही डेवलप होगा। अब क्योंकि ये रॉकेट टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस होगा इसलिए इसके डेवलपमेंट में करीबन 10 सालों का वक्त लग सकता है और 2035 में इसकी टेस्ट फ्लाइट हो सकती है और यही वो साल है जिसका इंतजार पाकिस्तान को अंदर से हिला देता है। भारत ऑलरेडी उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स मौजूद हैं। मतलब युद्ध की परिस्थिति में भारत अगर चाहे तो ASAT मिसाइल्स के इस्तेमाल से दुश्मनों के सैटेलाइट्स पे जमीन से हमला कर सकता है, लेकिन अभी भी भारत के पास अंतरिक्ष से जमीन पे हमला करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। कई सालों से माना जाता है कि US और चाइना ऑलरेडी स्पेस में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर चुके हैं जिनका इस्तेमाल मौका पड़ने पर दुश्मनों के सैटेलाइट्स को खत्म या जैम करने के लिए किया जा सकता है। इससे दुश्मन देश के कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद पड़ जाएंगे और सारे हथियार किसी भी काम के नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि चाइना ने भी इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल US के खिलाफ 2006 में किया था और US के लिए अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
चीन इस वक्त भी अंतरिक्ष में मिसाइल्स तैनात करने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिससे किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत के पास सूर्य जैसे बड़े रॉकेट होने का मतलब है हैवी वेपन्स को स्पेस में तैनात करने की कैपेबिलिटी का आना। इसको ऐसे समझिए कि सूर्य भारत को चीन और पाकिस्तान को धमकाने की ताकत देगा। मतलब अगर ये देश जमीन से कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो भारत इन्हें ऊपर से ठोक सकता है। आपको बता दें कि आज की डेट में भारत 70% सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिजनाइज कर चुका है, लेकिन भारत के सभी रॉकेट्स आज 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सूर्य को डेवलप करने के लिए भी भारत को किसी भी अन्य देश की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हालांकि देखना ये है कि देश के इस रॉकेट में आगे चल के कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक टाइम था जब भारत को दूसरे देशों के सैटेलाइट्स किराए पे लेने पड़ते थे, लेकिन आज भारत अपने सैटेलाइट्स की बैंडविड्थ दूसरे देशों को उधार पे दे सकता है। आज न केवल हम अपने सैटेलाइट्स खुद बना सकते हैं, बल्कि उन्हें लॉन्च करने की भी ताकत रखते हैं। पूरी दुनिया में आज केवल 10 ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपने खुद के रॉकेट्स या स्पेस लॉन्च व्हीकल मौजूद हैं, और इन देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम आता है। लेकिन भारत की नकल करके चांद पे किराए का रॉकेट और सैटेलाइट ले जाने की बेशर्मी एक ही देश रखता है। चलिए आज देखते हैं कि कौन इस सवाल का जवाब सही से कमेंट सेक्शन में दे सकता है। बाकी कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।